हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग का ड्रीम में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा वीडियो है, विद गुड न्यूज़ है सभी नॉर्सेट 5 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपको पता था कि आज जो है एम्स नॉर्सेट 5 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट था 25 अगस्त, लेकिन अब जो है ये जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 28 अगस्त शाम 5 बजे तक। और उसी के साथ साथ इसमें एक गुड न्यूज़ भी जोड़ी गई है। इसमें दो जो इंस्टीट्यूट हैं वो और ऐड किए गए हैं। ये है NI ग्रिम्स नॉर्थ ईस्टर्न जो हॉस्पिटल है वो, सेकंड जो है शिलोंग, एंड थर्ड जो शिलोंग का जो ये शिलोंग के बाद हमारा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई। तो इसमें तीन मोर जो हॉस्पिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलरेडी एम्स के इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और तीन मोर इंस्टीट्यूट ऐड हो गए तो वैकेंसीज आपकी जो है इंक्रीज़ होगी। तो ये तो थी एक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बाकी मैं आपको सीट पोजिशन बता देती हूँ कि क्या क्या रहने वाली है। तो सेकंड जो अपडेट है वो है नॉर्सेट 5 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने अपनी जो है सीट पोस्ट जो है दे दी है, कितनी वैकेंसी है। तो लेडी हार्डिंगटन हॉस्पिटल की बात करें तो उसमें जनरल की 9 पोस्टें हैं और EWS की 7, और टोटल जो है 16 हो गई UR और EWS की। उसके अलावा जो है PWD कैंडिडेट्स की 9 सीटें हैं। उसके बाद डॉक्टर RML हॉस्पिटल की टोटल अगर हम सीट्स की बात करें 10 हैं, बाकी आप कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसमें कोई भी पोस्ट इस बार नहीं निकली है, हालांकि तीन अदर इंस्टीट्यूट ऐड हो गए हैं तो वो कवर अप हो जाएगा। तो ये आज की जो है गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है या किसी वजह से उनका फॉर्म रह गया है तो जाकर के अपना फॉर्म कंप्लीट कीजिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।